दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। ईडी के नो समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली है। केजरीवाल को कोर्ट से 22 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल तो गई है, लेकिन जमानत के दौरान केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और ना ही फाइलों पर साइन कर पाएंगे। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई है उनमें कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जाएंगे, केस में अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और ना ही इस केस से जुड़ी ऑफिशियल फाइलों को देखेंगे। वो गवाहों से भी संपर्क नहीं करेंगे। बता दें, शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को अगले 5 साल का भविष्य माना, क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है। इसके लिए जरूरी है कि उसे सभी दलों की नीतियां और संभावित जनहित कार्यक्रम और योजनाओं का पता रहे, तब वोटर अपने पसंदीदार उम्मीदवार को वोट दें। आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवार के बारे में आम जनता को बताना अधिकार है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि जमानत तो हेमंत सोरेन ने भी मांगी थी, उन्हें क्यों नहीं मिली? उनकी जमानत को क्यों टाला जा रहा है? भूमि घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आपकी याचिका खारिज कर दी, इसलिए हम इस पर सुनवाई कर कोई राहत नहीं दे सकते। दरअसल हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का फैसला आने में देरी का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा आप संशोधित याचिका दें, हम उस पर अगले सप्ताह कार्रवाई करेंगे। अब सोरेन की इस याचिका पर सोमवार यानी 13 मई को सुनवाई करने की बात कही है, यानी अब सोमवार को ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह क्या हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें अभी कुछ समय तक और जेल में रहना होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। वो आम आदमी पार्टी प्रमुख के पद पर भी कायम थे, इससे ठीक उल्टा हेमंत सोरेन ने किया था। सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज के साथ। शुक्रिया।